हैं और एक कमेंट आया था, वह है कमेंट वाला व्यक्ति है पप्पू भाई, और पप्पू भाई कमेंट जो है बहुत दिन पहले किए थे और उसका कमेंट का जो है रिप्लाई नहीं दे पाए थे। जो अभी जो है स्टूडियो वगैरह का काम चल रहा था और सेटिंग मतलब एक महीना जो क्लास का जो बंद था तो पूरा सेट सिस्टम उस्टम करवा गया था इधर उधर, तो उसी सबको एडजस्ट करने की वजह से जो है रिप्लाई क्लास को ले रहे थे पर क्या होता रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे किसी का कमेंट का। तो एक रिप्लाई था उसको रिप्लाई देना है। पप्पू भाई का क्वेश्चन था कि भाई हम पौने 3 किलो कैसे लिखेंगे, पौने 3 किलो समझ ना रहे, जो गो का है वही समझेंगे क्या, पौने 3 किलो कैसे लिखेंगे। तो मेरे मित्र मेरे भाई पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि 1 केजी में कितना, 1 केजी में कितना होता है, केजी यहाँ पे होगा केजी, इसमें होगा भाई साहब 1000 ग्राम, समझ ना रहा। और इसी एक केजी बराबर कितना 1000 ग्राम। अब जो इसको पौवा में लाना पड़ेगा क्या, पौवा 250 में, इसका मतलब इसको 4 भाग में बदल देंगे कितना हो जाएगा, तो 400 इसको कटाइएगा ये हो जाएगा 250, 250 ग्राम। तो मेरे मित्र ये 250 ग्राम का जो है एक पौवा होता है, कितना होता है एक पौवा। यहीं से सब खेल अब शुरू होगा, क्या होगा सब खेल शुरू होगा। अब बोलिएगा कैसे, तो चलिए बताते हैं, पौने 3 किलो, पौने 4 किलो, पौने 5 किलो कैसे लिखेंगे ये समझिए। पौने घंटा सब भी समझ में आएगा, आपका क्वेश्चन का रिप्लाई मिल रहा है। देखिए पौने 3 किलो बोले ना, मतलब कब पौने 3 किलो, मतलब 3 किलो से कुछ कम, समझ ना, 1000 ग्राम में से कुछ निकाल को दे देंगे तब ये ना, 1000 से बेसी देंगे तो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, तो कम होना चाहिए। तो 100 से 100 से लिख लीजिए कितना 2 केजी, इसको लिखिए पूर्णांक में बोला गया था, लीजिए भाई पूर्णांक में, 2 तो पूरा बगल में दीजिए बटा, इसको अब करना है पौवा 250 का ना पौवा होता है, तो पौवा कितना का 250 का, इसका मतलब कितना 1000 का चौथाई भाग, 1000 का चौथाई भाग, तो लिख देंगे 4, लिख देंगे 4। अब मेरे दोस्त अब तो लिख दिए 4, जब आधा किलो उसमें देंगे 500 ग्राम बढ़ाएंगे तो 250 हो जाता, 2.5 केजी हो जाता, होता या नहीं होता। तो 2 भाग जुटेगा, जो 2 भाग जोड़े तो कितना हो गया, 1 जुटता तो पौवा, 2 जुटता तो कितना हो जाता 1.5 केजी, और 3 जुटता कितना हो जाता 1.25 केजी, 4 जुटता तो 1 केजी, होता या नहीं होता, पक्का हो जाता। इसका मतलब 2 जोड़ेंगे तो आधे किलवा, 3 जोड़ेंगे तो पौवा, और 3 करेंगे तो 3 जोड़ेंगे तो 3 से मतलब गुना, इसका मतलब 7500, ये होता, होता या नहीं होता, बिल्कुल हो जाता। इसका मतलब क्या, 3 ऊपर में, पौने 3 किलो लिखने के लिए 2 पूर्णांक 3/4 को पौने 3 किलो कहते हैं, समझ में आ गया। पप्पू भाई आपका रिप्लाई जो था मिल गया, आपका क्वेश्चन आएगा, आपका क्वेश्चन का आंसर है 2 पूर्णांक 3/4, पौने 3 किलो इसी को बोलते हैं। चलिए मुझे उम्मीद है कि आप तक ये वीडियो पहुंच गया होगा और आपने ये देखे भी होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।